जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है डिवोशनल पॉइंट में। एक बार फिर से मौसम का हाल में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वैष्णो देवी का मौसम का हाल काफी बिगड़ा हुआ है। अभी वैष्णो देवी में जो तापमान है, अगर रात का तो मैं बात करूँ 4 से 7 डिग्री का चल रहा है, अगर दिन की बात करूँ तो 14 डिग्री का है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, और ये तापमान काफी कम है। अगर बड़े बुजुर्ग या बच्चे आप लोगों के साथ जा रहे हैं तो आपको सोचने की बहुत जरूरत है, आपको ठंडी के कपड़े ले जाने की जरूरत है। साथ ही साथ वहां पे मौसम की मार और पड़ी है, यानी कि अगर आप बात करें, बारिश आपको देखने को मिलेंगे, घने बादल आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको यात्रा में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप यात्रा करने जाए इन महीनों में, मान लीजिए नवंबर दिसंबर या जनवरी में आप जा रहे हैं, तो खास ख्याल रखें, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको अपने ठंडी के कपड़े ले जाने की जरूरत है। कंबल हालांकि आपको वहीं पर मिल जाएंगे, फिर भी आप कोशिश करें अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सर्दी के कपड़े लेकर जाएं। दूसरी चीज ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं माता के दर्शन तो करें ही करें, साथ में उन्हें बर्फ का भी नजारा देखने को मिल जाए। तो उन लोगों के लिए मेरे पास ये अपडेट है कि बर्फ जल्दी वहां पे गिरने वाली है, क्योंकि वैष्णो देवी से 60 किलोमीटर दूर है नत्था टॉप और पटनी टॉप, वहां पे ऑलरेडी बर्फबारी देखी जा चुकी है पिछले कुछ दिनों में। तो भी अनुमानन अगर देखा जाए तो लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर वैष्णो देवी में बर्फबारी देखी जा सकती है। तो जो भी भक्तजन चाहते हैं माता के दर्शन करना और साथ में बर्फ का लुफ्त उठाना, तो वो जा सकते हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में या 10 दिसंबर तक। तो उम्मीद है तब तक बर्फ पड़ जाएगी। जैसे ही पहली बर्फबारी वहां होगी मैं आपको जरूर उसकी भी अपडेट दूंगा। दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है आपको बताने के लिए कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज अभी नहीं चल रही है, क्योंकि वहाँ पे घनघोर बादल हैं, भारी बादलों का साया है, तो इस वजह से मौसम ख़राब भी है। इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस अभी नहीं चल रही है, बर्खास्त हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी सारी सर्विसेज अपनी तरीके से चल रही हैं। अगर आप बात करें रोपवे की या फिर आप बात करें बैटरी कार की, तो वो अपनी तरीके से चल रही हैं। और अगर आप बात करें दोनों ही रास्ते की, ये नया रास्ता ले लीजिए, रास्ता, सारे रास्ते अपने तरीके से बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। किसी भी रास्ते में किसी तरीके की कोई भी यात्री को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने का। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी ज़रूरी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा वैष्णो देवी के लिए। और दूसरी आपसे मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मेरा एक चैनल और है जो मैंने अभी नया चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ आप उस चैनल पर भी जाइए, वीडियो देखिए और मेरे उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।